actor Manoj Sharma, who played the character of Bunty in recent release web series Guns and Gulabs, interacted with the media persons today, where he talked about Rajkumar Rao and revealed that Rajkumar was his senior in theatre who always inspired him to do better. Manoj discussed about his upcoming projects as well. Let's watch him out. गन्स एंड गुलाब के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे आप शो आपने शो भी देखा होगा, जितने मज़े शो देखते हुए आते हैं उतने ही मज़े हम लोगों ने किए हैं। और मैं राजकुमार भाई के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि उनसे ज़्यादा सिक्योर एक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है लेकिन उनसे ज़्यादा सिक्योर एक्टर कोई नहीं है। कि आप जब काम कर रहे हो, कुछ इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो, तो वो आपके साथ खड़े हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने कुछ इम्प्रोवाइज़ करा है, उन्होंने हेल्प करी है उसके अंदर और उन्होंने कहा कि नहीं ये होना चाहिए, कितना सही कर रहा है। और वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं औरों के साथ उस सीन को लेकर बहुत ज़्यादा, तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा राजकुमार भाई क्यों उस जगह पर है, उस पोजीशन पर है और वो क्यों इतना बेटर काम कर पा रहे हैं। वो हमेशा शो के बारे में, सीन के बारे में, उससे रिलेटेड ही बात चल रही है पूरा टाइम। तो वो बहुत ही सीखने को मिला उस चीज़ से। हाँ, और गन्स एंड गुलाब का जो जर्नी था वो वही है कि मुझे कास्टिंग बेस से कॉल आया। मैं विक्रम वेदा शूट कर रहा था उस समय, उसमें एक कॉप का कैरेक्टर है, उधर एक गैंगस्टर का कैरेक्टर था। दोनों बहुत अलग वर्ल्ड हैं और एक्टर के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि आपको डिफरेंट कैरेक्टर मिलने का मौका, करने का मौका मिले। तो उनका कॉल आया कास्टिंग में से, मैंने ऑडिशन दिया और फाइनली उनकी तरफ से कॉल आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड। और फिर फाइनली जब मीटिंग हुई तो मुझे बताया गया कि ये कैरेक्टर है। और मैं बहुत खुश था कि यार बहुत, क्योंकि मेरे फेवरेट डायरेक्टर राजन डी के 99 फिल्म हो, शोर इन द सिटी हो या गो गो गॉन हो, वो फर्जी है, फैमिली मैन है, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं यार, क्या वर्क है, मतलब जिस तरह का उनका टेम्परमेंट है काम करने का, आपको समझ में आता है कि क्यों राजन डी के हैं। मैं यही मैसेज दूंगा कि यार आप मेहनत करो और करते रहो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट का यही है कि अगर आप टैलेंटेड हो और आप सच में हार्डवर्क के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो, आपको काम मिलेगा। काम की कोई कमी उस तरह से नहीं है, लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा काम को लेकर। आप वो नहीं कर सकते कि मैं किसी तरह से, आपको अपना प्रेजेंट करना पड़ेगा। कि मैं ये नहीं कह सकता मैं शाहरुख सर जैसा बनना चाहता हूँ या बच्चन सर जैसा बनना चाहता हूँ। आपको अपना नाम, अपनी जगह अपने साथ लेकर आना पड़ेगा, चाहे वो पंकज सर हों या नसीर साहब हूँ या इरफान सर हूँ। इन लोगों ने जितना इंस्पायर किया है आपको एक जगह से उठकर दूसरी जगह आने पर, उन्होंने जो अचीव किया है, आप उनकी जर्नी से इतना इंस्पायर होकर ही आ रहे हैं। मैं भी उन्हीं की जर्नी से इंस्पायर होकर ही आया हूँ। तो अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, देखते हैं कहाँ तक जाएगी।